अ पैक्ट विद द सन. चैप्टर फर्स्ट, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. पार्ट सेकेंड. द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन. जो किंग था वो हैरान हो गया सिमिलर वॉइस सुनकर, जैसी आवाज़ उसने पहले सुनी थी वही सुनकर. ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी. वह ट्रू बर्ड्स की स्टोरी को जान चुका था. ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड. वह ऋषि से मिला जिसने दोनों बर्ड्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया. सून जल्द ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम. वो एक क्लियरिंग यानी खाली जगह पर जहाँ पर पेड़ पौधे कम थे वहाँ पहुँच गया और वो उसे एक आश्रम की तरह लग रहा था. इट वॉज अ ऋषि आश्रम. वो एक ऋषि आश्रम था. द किंग टाइड हिज होरस टू अ ट्री. उसने राजा जो था उसने अपने घोड़े को ट्री के साथ बांध दिया. एंड सेट डाउन इट इन इट्स शेड. और उसकी छाया में बैठ गया. सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस. अचानक उसने एक वॉइस सुनी. वेलकम टू द आश्रम. आश्रम में आपका स्वागत है. प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. आप अंदर जाइए और विश्राम कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि जल्द ही आएंगे. देयर वॉज सम कोल्ड वाटर इन द पोर्ट. पोर्ट के अंदर कुछ ठंडा पानी है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. आप अपने आप को कम्फर्टेबल रखिए. द किंग लुकड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. जो किंग था यानी जो राजा था उसने ऊपर की तरफ देखा जिसमें एक बिग ब्राउन बर्ड यानी जो एक पूरी मतलब बड़ी बर्ड थी जो ब्राउन कलर की वो ट्री के ऊपर बैठी थी. ही वॉज अमेज्ड. वह हैरान हो गया. दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली. उसने ये बात खुद से जोर से बोली. यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड. बर्ड ने आंसर किया कि आप सही कह रहे हैं. ही इज़ माई ब्रदर. वो मेरा ब्रदर है. बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स. बट जो उसके फ्रेंड्स हैं वो डाकू हैं. ही नो टॉक्स एज दे डू. इसीलिए वे उन्हीं की तरह बोलता है. ही डज नो टॉक टू मी एनी मोर. अब वह मुझसे बात नहीं करता. जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम. उसी टाइम ऋषि ने आश्रम में एंटर किया. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग. स्वागत है, उसने राजा से कहा. प्लीज़ कम इनसाइड. आप अंदर आइए. एंड मेक योर सेल्फ एट होम. यू लुक टायर्ड. आप थके हुए लग रहे हैं. रेस्ट फॉर अ वाइल. कुछ देर रेस्ट कीजिए. देन यू कैन शेयर माई फूड. फिर आप खाना खाइएगा. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स. जो किंग था उसने ऋषि से टू बर्ड्स की स्टोरी कही. एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली. तो दे लुक्ड सो अलाइक. जो उनका बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन वो देखने में दोनों एक जैसे हैं. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज. ये जो जंगल है ये पूरा सरप्राइजेज से भरा हुआ है. ही सैड, ऐसा उसने कहा. द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड. उसने स्माइल किया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. ये सब संगत का ही असर होता है. दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रोबर्स. वो जो बर्ड है वो हमेशा रोबर्स यानी डाकुओं को ही सुनता रहता है. ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल. इसीलिए वो हमेशा उन रोबिंग पीपल की तरह ही बात करता है. दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हियर. वो वही रिपीट करता है जो वो सारा दिन सुनता है. ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. आश्रम में आपका स्वागत है. नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. अंदर आइए और रेस्ट कीजिए. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस. मैं आपको इस प्लेस के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा और इन बर्ड्स के बारे में भी. थैंक यू.